या मेरी बात ध्यान से सुनो, युद्ध शुरू हो चुका है, अब इसे टाला नहीं जा सकता। डायनवंशी अपना पहला वार कर चुके हैं, अब हमारी बारी है। नहीं, नहीं माँ। अभी तो डायनवंशियों ने सिर्फ तुम्हारी माँ को मारा है, अगर तुमने उनका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तो अपने पापा और बहन से भी हाथ धो बैठो। युद्ध शुरू हो गया है, खत्म तुम करोगी रीवा वंशियों की जीत से। चलना चाहिए पापा, लेकिन माँ। बात समझने की कोशिश करो गुड़िया, यहाँ रहने में खतरा है। नहीं, माँ ने कहा था युद्ध शुरू हो चुका है और हमें युद्ध खत्म करना है। हमें युद्ध करना है या नहीं, इसका फैसला हम करेंगे गुड़िया। हम युद्ध नहीं चाहते, इसलिए चलो यहाँ से, चलो गुड़िया। डैडी,
हमें यहां से निकलना ही होगा, चलो। अंश, युद्ध का बिगुल बज चुका है, लय युद्ध शुरू हो चुका है और इस युद्ध में अहम किरदार हम निभाएंगे क्योंकि त्रिकोण मणि हमारे पास। सही कहा आपने, त्रिकोण मणि में युद्ध को खत्म करने की ताकत है, लेकिन जिसके पास त्रिकोण मणि होगी वही इस युद्ध को खत्म कर सकता है। तो इसका मतलब जो युद्ध खत्म करेगा विनर भी वही होगा। हाँ, और जिंदा भी सिर्फ वही रहेगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर त्रिकोण मणि हमारे पास होगा तो जीत रीवावंशी की होगी, लेकिन फिर हम तुम्हें खो देंगे। हाँ पतिदेव जी, और अगर ये त्रिकोण मणि हम ले लेंगे तो जीत काली शक्तियों की होगी, लेकिन फिर हम आपको हमेशा के लिए खो देंगे। तो फिर क्या करें हम? जिसका डर था वही हुआ, सारी काली शक्तियां यहां आ चुकी हैं। अब हम इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकते। नहीं बाबा, हम ये युद्ध नहीं करेंगे। जिस खून खराबे में किसी का भला ना हो, मुझे उसका हिस्सा नहीं बनना। साफ साफ क्यों नहीं कहती, मेरी सेना से तुम डर गई? दैविक डायन से डर गई? तुमने तो बिना लड़े ही हार मान ली दैविक। लेकिन ये मत समझना तुम मेरे सामने घुटने टेक दोगी तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। तुम रीवा वंशियों का मरना तय है। इस प्रलय युद्ध का अंत तो होगा हमारी जीत और तुम्हारी हार से। ऑप्शन नहीं है दी, हमें ये युद्ध लड़ना ही होगा। तलवार उठाइए। नहीं सावी, समझने की कोशिश करो गुड़िया, तुम्हारे न लड़ने से ये युद्ध टल नहीं जाएगा, तुम्हें तलवार उठानी ही पड़ेगी।
वंश, छुटकी, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। हमारी सेना में आ जाओ, बच जाओगे। मेरी सेना के सामने ये तीन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे अंश। तीन नहीं, पांच। अगर तुम इनका साथ दोगे तो हमारा क्या होगा? हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? तुम दोनों ने भी इनके साथ मरने का फैसला कर ही लिया तो तुम्हारी मर्जी। आक्रमण! हम इन्हें संभाल लेंगे। कमान साबी, मेरा बेटा होके रीवा वंशियों का साथ दे रहा है। सबसे पहले इसी को सबक सिखाना पड़ेगा। माँ, आप फिक्र मत कीजिए।
ये युद्ध करना ही होगा। इस युद्ध से सिर्फ नुकसान होगा। अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगी तो बुराई की अच्छाई पर जीत होगी और हम ये कभी होने नहीं दे सकते। यहाँ तो एंड गेम वाला सीन चल रहा है भाई। क्या? अरे तुम नहीं समझोगी मिसेस जी, ये थोड़ा सा अंग्रेजी फिल्म वाली बात हो रही है। अरे बाप रे बाप, ये डायन तो अपने साथ पूरी काली शक्तियों का खानदान लेके आई है बे। अगर हम लोग जल्दी से स्पॉट पे नहीं पहुंचे ना तो जितनी काली शक्तियां हैं वो रीवा वंशियों को हरा देगी। नहीं 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 नहीं, हमको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये कांड हो जाएगा और हम हारने नहीं देंगे रीवा वंशियों को। पतिदेव जी जल्दी कुछ कीजिए। अरे जल्दी ही करेंगे, काहे कि इस युद्ध का फैसला हमारे हाथ में है। कोई भी चूक नहीं होना चाहिए मिसेस जी, बता दे रहे हैं। आपको पता है ना क्या करना है? हाँ पतिदेव जी। हाँ तो बस एकदम रेडी हो जाओ एक्शन बोलने के लिए। एक्शन! लगता है मेरी छुटके से यह खून खराबा देखा नहीं जा रहा, लेकिन जब तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे बेटे और बहू का खून बहेगा तब क्या हाल होगा तुम्हारा? नहीं। वैसे तुम्हें पता है दिव्या कुमार के, तुमने मेरा सबसे मुश्किल काम आसान कर दिया। मैंने दिव्या को नहीं मारा, दिव्या ने अपनी जान खुद ली। और इसका मतलब समझती हो तुम? रले तलवार का पहला वार एक रीवावंशी ने किया और भविष्यवाणी के अनुसार जीत उसी की होगी जो पहला वार करेगा। लेकिन उस वक्त प्रलय तलवार तुम्हारे हाथ में थी ना छुटकी, और तुम एक डायन वंशी हो, इसका मतलब पहला वार डायन वंशी ने किया है। नहीं, और जरा अपने आसपास देख तो लो, तुम्हें लगता है ये रीवावंशी हमसे जीत सकते हैं? मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूं कि अच्छाई और बुराई की जंग में जीत हमेशा अच्छाई की होती। ये कोई मामूली युद्ध नहीं है छुटकी, प्रलय युद्ध है। तुम्हें पता भी नहीं है इस युद्ध में हार जीत का फैसला किससे होने वाला है। तीर खत्म हो गए, अब क्या करें? तुम्हें ये छूट करना ही होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।